हदीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चौकीदार को दिन दहाड़े उस समय मौत के घाट उतार दिया गया जब वह चोरी की शिकायत को लेकर गांव के निवासी कुछ लोगों के पास पहुंचा था। गांव नौरंगाबाद निवासी मनोज ने बताया कि उसका भाई बच्चू निर्माणाधीन मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए तैयार की जाने वाली निर्माण सामग्री की चौकीदारी करने का काम करता था। निर्माण सामग्री तैयार होने वाले प्लांट से सरिया चोरी हो गए, जो कि सरिया गांव निवासी नरेश दीपक व पिद्दा ने किए थे। इसी की शिकायत करने बच्चू उक्त लोगों के पास गया था, जिसको लेकर आपस में बच्चू की उन लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके चलते उक्त तीनों लोगों ने अपने चार पांच अन्य साथियों से मिलकर बच्चू पर लाठी डंडा सरिया व कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह घटनाक्रम उसने खेतों पर काम करते समय देखा, जिसकी सूचना उसने अपने परिवार वालों को दी। जैसे ही परिवार वाले मौके पर पहुंचे, तो आरोपी उन्हें देखकर 9-2-11 हो गए, जिसके बाद वह लहूलुहान अवस्था में बच्चू को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने बच्चू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच अधिकारी SI जोगिंदर संघ का कहना है कि वह सूचना मिलते ही अस्पताल पहुँच गए। फिलहाल उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। परिजनों से मिलने वाली शिकायत के आधार पर कार्रवाई अमल में ली जाएगी। मनोज जी, कहाँ रहते हैं आप? नौरंगाबाद जी। आपने एक हादसा होते हुए देखा है मौके पर? क्या? हाँ जी। क्या देखा? मैं जी इंजन चल रहा हूँ जी, मेरा ज्वार के परे चल रही। मैं इंजन पर गयो, इंजन पर गयो तो मैं जैसे ही मेरी नगा गई, ये चौकीदार रहे हो, चौकीदार रहे हो तो जैसे ये पाँच छः जन ये लाठी कुल्हाड़ी फावरे इनसे काटने, बड़े भाई पिंकू पर अपने फ़ोन करे हो, मैंने कि भैया ऐसे ऐसे भैया मार दिया ठोर, मेरी अकेले की आशंक नहीं पड़ी जी जाने की, जब कुल्हाड़ी इस पर चल रही तो मैंने बड़े भैया फ़ोन करे, बड़े भैया गाड़ी लेकर आए हुए, जैसे हम पहुँचे हुए गए गए हैं भाग, हमें इसे उठा के पलवल लिया है। क्या नाम है मृतक का? है जी, नाम क्या है? बच्चू जी। क्या काम करता था ये? चौकीदारी कर रहा है हाईवे पे, बम्बई हाईवे लेकर गाँव से हारे कर। ये जो हमलावर थे, किस रंजिश को लेकर के हत्या की? ये जी चौकीदार होते इसके लोग उठावे रात के, सरिया चोर है जी वे, इसने मना करी भैया ऐसे मत करा, मैं चौकीदार रहूँ, वन की तो मार देंगे खचा थम उठान दे या उठान दिए जब मारे जी। तो दिन दहाड़े जाकर के हत्या कर दी? हाँ जी। कितने लोग थे? 6-7 जने जी। बच्चा वीरवानी भी जी, हमारे गांव में रहे जी, अब बस है मिंडगोला के पलाट काट रहा किया सरपंच, हमारे गांव में मारे किस जगह? भाई मारे जी, अब घर के आगे वहाँ तो उठा लाए उसे मारते मारते, और अपने घर के पास में लाके मारे हो, घर के अंदर बाहर है जी, बाहर मारे हो, घर के दरवाजे पे? दरवाजे पे। आप क्या लगते हो उसके? है जी, आप क्या लगते हो? चाचा का लड़का लगता है। नाम पता है? क्या क्या नाम है इनके? एक तो नरेश है, दीपक पिद्दा है, वक छोरा, और बहू को नाम रानी है, वो भी मार रही ये लो आ रही है। ये सब ये जो दिन दहाड़े जो घटना हुई है उसके बारे में बताएंगे, किस तरह से कहां पर हुआ ये बच्चू सिंह चढ़ाव कमलनाथ निवासी नौरंगाबाद, चौकीदारी काम करते थे, और ये अपना बॉम्बे हाईवे जो रोड बन रहा है उसका चौकीदार था। औरंगाबाद मेडकोला के कुछ लोग थे, उनका नाम अभी कुछ मोदी पार्टी ने बताया, जो दल के नाम बता दिए हैं, पार्टी के नाम आने वाले दरखास्त अभी मिली नहीं है। कार्रवाई हादसा क्या हुआ? हादसा ये बता रहे हैं चौकीदारी थे वहाँ के, वो बता रहे हैं जो सरिया वगैरह पड़े थे उनको लोग वहाँ से उठा रहे, उठाने उसके ऊपर उनका विवाद हुआ और उसको चोटें मार दी, जिस कारण बच्चों का आते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। हमलावर कितने बताए गए हैं सर? अभी कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं है, बाकी बता रहे 5-6 लड़के, बाकी कंप्लेंट आने पर।